दो टाइगर स्पॉट हुए हैं, वो रहा एक वो रहा, तो बहुत आलसी की तरह पड़े हुए हैं। ये जोन कौन सा है? सिक्स जोन, सिक्स आगे और ले लेते हैं। टोपी वाले, हेलो भाई, हो गया भाई, दिख गए स्पॉट, हो गए दो, दिख गए एक रोमियो एक जूलियट, दोनों में लड़ाई हो गई देखो अभी, लेकिन अलग अलग भाई दोनों। क्या नाम भाई है? भाई नाम है राम लखन, नाम है राम लखन। ये जो दोनों दिखे हैं ये बच्चे हैं, इनकी माँ का नाम क्या था? लाडली, लाडली 38 लाडली था इनकी माँ का नाम, T8 लाडली, सॉरी जो भी है, बट ये बताया गया हमें। अभी तक तीन टाइगर स्पॉट हो गए, दो तो आपको दिखा चुके, एक की आपको वॉक दिखाई, तो तीन टाइगर, वाह 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 वाह, मजा आ गया, बहुत खुशी, अलग खुशी, रणथंभौर आना सक्सेसफुल। भाई कैसे लगा? अरे बहुत ही उमदा भाई, मजा आ गया, क्या दिख गए भाई। वॉक कैसी लगी? टाइगर वॉक इनका भी सही है भाई, के बाद मां बाप बहन भाई कुछ नहीं समझते, अल्फा मतलब अल्फा, होना मतलब होना ही, ढाई साल बाद इलाका अपना अपना। यही पता लगा था कि यहाँ कोई से जोन है, उसमें सिक्स नंबर पे टाइगर स्पॉट हो सकते हैं, 90% चांस थे और हमको स्पॉट हो गए तीन, तो मतलब काफी ज्यादा खुशी है यार। भाई सलमान खान को बुलाओ, नाम से डर गया भाई, बोल के दिखा एक बार एक बार और एक बार और। तीनों एक साथ स्पॉट हो गए, तीनों एक साथ स्पॉट हो गए। ये T8 लालटीन की माँ, एक गाइस वी आर बैक एट अ रिसॉर्ट, तो आप देख सकते हो वही गाड़ी जो आपको सुबह दिखाई थी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं हमारी सफारी का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो हमारा ड्राइवर था उसने ऐसी ऐसी जगह गया वहाँ पे जो कैंटर जाने थे वो अलाउड भी नहीं थे, वहाँ वो ले गया। तो एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जो टाइगर है वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है हमारी गाड़ी के आगे से क्रॉस करके गया, वो आपने शॉट देखा होगा, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता हमको। या एक या दो गाड़ी में मेंबर जीप में ऐसे मिले थे, वो बोल रहे थे हम चार दिन से लगातार आ रहे हैं, हमको एक भी टाइगर स्पॉट नहीं हुआ, हमको हुए चार, वो भी चार में से फैमिली मेंबर चार, एक मेल नहीं दिखा, बाकी तीन बच्चे और उनकी माँ दिखी। ऐसा हमें वहाँ पे जो लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं सरकारी टीम, उन्होंने बताया। उनकी मॉम, उनका नाम था T8 आई थिंक टाइगर नंबर 8, उसका नाम था लाडली, मैंने आपको बताया भी है पहले। तो ऐसी कुछ डिटेल थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सबको काफ़ी मज़ा आया, थोड़ी देर वहाँ रुके रहे, बारिश भी हुई, तो ओवरऑल मतलब मैं खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा कि मैंने अभी तक जयपुर में एक जू है नारागढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, लेकिन आपको ऐसे लाइव टाइगर आपके सामने से जाता वो कभी नहीं दिखता, लेकिन उन्होंने अटैक भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, आया बेचारा आराम से चला गया। फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कभी कभार, वो वाला एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे साथ कि फीलिंग मैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी एक्सप्रेस। कोई बात नहीं, अगर आप आओ तो हमने जो जोन में गए थे वो गए थे जोन नंबर 6, तो आप वो ट्राई कर सकते हो कि आपका लक काम कर जाए, हमारा लक काम कर गया, आपका करे ना करे बाकी किस्मत भरोसे। मैं अगर आपको हमारी बाइक ही दिखाऊं तो यहाँ खड़ी है ये 2020 की हिमालयन, 2021 की हिमालयन, हिमालयन ही हिमालयन एवरीवेयर।
नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस, सो हम कहाँ हैं, हमारे रिजॉर्ट में। आज यहाँ हुई है बहुत ज़्यादा बारिश, तो रात को यहाँ लाइट भी चली गई, तो इनका पावर बैकअप था नहीं था, इन्होंने चालू करा नहीं करा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी इसी कारण। लेकिन जो नींद आई मस्त आई। अब हम जाएंगे पूल में, क्योंकि आपने कल पूल देखा होगा, हमने वो नहीं घूमा क्योंकि हमारे पास कल टाइम ही नहीं था और रात को ही कर देते हैं बंद, तो आज टाइम मिला है, आज जाएंगे हम सबसे पहले पूल पे, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। भाई भी उठ गए हमारे, सारे मेंबर अब रेडी हैं, अब चाय वाय पियेंगे फिर पूल में जाके बैठेंगे आराम से। एक नंबर हवा, ऊपर हवाएं चल रही हैं खतरनाक, और यहाँ पे आराम से हल्का हल्का गर्म सा पानी है, और जो फील आ रहा है ना शानदार। यहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर मेरे को बिठाना है ना बिठा लो, क्योंकि इतना शानदार फील है ना बता नहीं सकते। ठंडी लगी हवाएं चल रही है तो ठंड का ऐसा सब होगा, लेकिन बढ़िया वाला। ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जस्ट हम निकलेंगे हमारे घर की ओर, क्योंकि जो हमारा ट्रिप था छोटा सा था, जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग वैसा ही है बस, तो वो आज एंड होने की कगार पे आ गया है। ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड हो जाएगा, चेकआउट करेंगे, सामान गाड़ी पे लोड करेंगे, बैक टू जयपुर। ओके, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हाँ अच्छा था ओवरऑल, फॉर अ डे फॉर अ वीकेंड के लिए आना अच्छा है यहाँ पे, वीकेंड गेटअवे बेस्ट, बढ़िया। आइए, अगर आपको शेयर नहीं दिखे तो भी बढ़िया है यार, ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी काफी बढ़िया है, और आपने सिनेमैटिक देख ही लिया। गाइस, हमने सामान हमारी गाड़ी पे बांध लिया है, हम एकदम रेडी हैं निकलने के लिए। बोल रहे तो हेलमेट पहन लिया है, गाड़ी स्टार्ट करी थोड़ी कोल्ड स्टार्ट, अब थोड़ी गर्म हो जाए बस, उसके बाद निकलते हैं क्योंकि कल बारिश ज़्यादा हुई है तो ठंडी भी ज़्यादा हो रही होगी। रास्ते में आपको थोड़ा बहुत एक दो ब्रेक लेंगे, लेकिन सीधा घर टिकाएंगे क्योंकि हमें पहुँचना है जल्द से जल्द, क्योंकि घर पे कुछ है काम, इसको जाना है पढ़ाने और मुझे है कुछ काम, तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अब रास्ते में। आज मिली हमें बहुत सारी बारिश रास्ते में, पहली बार हमारे गेट्स काम आ रहे हैं, हाँ पहने भी पूरे रेनकोट, गाड़ी पे जो टैंक बैग का कवर है वो आज काम आ रहा है, पीछे का कवर काम आ ही रहा है, आज सबसे ज़्यादा बारिश मिली है हमें। बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जयपुर से जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ से सारी, यहाँ से आने वाली एक आध दो। गाइज, हमने अभी जो जयपुर एंट्री पे लास्ट टोल है वो क्रॉस कर लिया है, तो सोच रहा हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर दूँ। बट उससे पहले आपसे एक चीज़ शेयर करनी थी कि जो हमने इस ट्रिप में टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, अराउंड 300-330, और जो मैंने तेल डलवाया था 10 लीटर, तो मैंने उसके अप्रॉक्स आइडिया निकाला, वी आर गेटिंग राइट नाउ 35+ KMPL। एक और चीज़ बताऊँगा, अगर आप 80 या 90 के अप्रॉक्स रखोगे, अगर आप 3 डिजिट्स में नहीं जाओगे तो आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। हम तो कभी कभार बाई चांस मौका मिलता है तो चले जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा माइलेज गिर जाता है, अदरवाइज अगर आप 70-80-90 रखोगे तो आपकी गाड़ी 37-38 अप्रॉक्स भी दे सकती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और हाँ सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।